इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हिंसक हमले की कड़ी निंदा करते हुए इस तरह की वारदातों पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। सीनियर डॉक्टर्स के साथ हिंसा हुई है और उनको इतने अच्छे हद मारा गया है कि कुछ डॉक्टर्स को बेहोशी हालत में अभी भी हैं तो कुछ को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा सेंट्रल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्टेट और लोकल विदिशा ब्रांच ये प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और गृहमंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर्स के ऊपर जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को किस तरीके से रोका जाए, उसमें आगे आकर आप प्रयास करें, क्योंकि इस तरीके से अगर हिंसा होती रही हम डॉक्टर्स लोग मिलके मरीजों के बीच में काम करना बहुत मुश्किल होगा। और इस तरह की कार्यवाही तुरंत जो कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में हो रही है उसको तुरंत डॉक्टर एक्ट लागू किया जाए और जिन लोगों ने हमारे डॉक्टर साथियों को मारा है उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसमें पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए कि डॉक्टर्स सेवा भाव से काम करते हैं, कभी किसी को मरीज को हिंसा पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं करते। जी, आज जो आपने काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया है, क्या है मामला ये पूरा? हमारा एक विरोध है जो डॉक्टर्स के विरोध है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हम काम कर सकेंगे पेशेंट के साथ और बिल्कुल हम चाहते हैं कि पूरी जनता हमारा सहयोग करे। अगर जनता को चाहिए कि डॉक्टर उनकी सेवा करे तो जनता को भी बिल्कुल अपना सपोर्ट देना चाहिए डॉक्टर के लिए, ताकि वो काम अपना सुचारू रूप से कर सके। प्रोटेस्ट डे किया है, प्रोटेस्ट डे इसलिए किया है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है डॉक्टर्स की अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब मारने की पूरी कोशिश की गई है, इसी कारण से कुछ डॉक्टर तो बच गए हैं लेकिन अभी बहुत सीरियस कंडीशन है। उसके अगेंस्ट में ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और होम मिनिस्टर जी को ज्ञापन देना चाहते हैं थ्रू कलेक्टर साहब आपके माध्यम से कि हमारी बात वहां तक पहुंचे। थैंक यू।